हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हम बनाएंगे रवा के, इसको सूजी कहते हैं। तो मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है। सूजी को हम हल्का सा भून लेंगे, ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, जिसका कच्चापन बस निकल जाए। सूजी हमने वाइट ही रखनी है, बस हल्की सी भूननी है। पहले सूजी भून लेते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं ये, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। सूजी हर घर में होती है। इसको हल्की से भून लेते हैं, गैस बिल्कुल धीरे रखना, नहीं जल्दी जल जाती है सूजी। अब सूजी हल्की से भून गई है, बस इतनी ही भूननी है हमने, इसको हमने लाल नहीं करनी है। अब सूजी हम निकाल लेंगे, गैस बंद कर लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब सूजी हमने निकाल लिए, तो एक कप सूजी है तो 2 कप हम दूध लेंगे। दो कप हमने दूध लिया है, मतलब 2 कटोरी लगा लो, जो हमने सूजी लिया उसी कटोरी के नाप से हमने 2 कटोरी दूध लिया है। अब दूध को हमने पकाना है। अब दूध उबलने लग गया है, हल्का सा गैस धीरे करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच घी डालेंगे, छोटी दूध के अंदर देसी घी डाल रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे चीनी, 2 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। अब इसको एक उबाल आने देंगे। अब दूध में हल्का हल्का उबाल आने लग गया है, अच्छे से मिला लेंगे। अब जब हमने सूजी भून के रखी थी, हम सूजी डालेंगे इसके अंदर। अब सूजी को हमने गाढ़ी करनी है, क्योंकि गाढ़ा से पेस्ट बनाना है। चला चला के बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल। अब इसको गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ा सा। अब जब तक हमारा बैटर ठंडा होता है, हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक छोटा बर्तन रखा है, मतलब छोटी कढ़ाई रखी है। इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे और जितनी कटोरी होगी, जितनी चीनी है उतना ही पानी डालेंगे। अभी इतना ही इसमें हम पानी डाल लें कटोरी के हिसाब से। अब चीनी को भी डालेंगे। हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी के अंदर इलायची पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छा टेस्ट आएगा। अब जब तक हमारी चाशनी बनती है, हम बैटर को मसल लेते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब हाथ में थोड़ा घी लगा के और आटे को अच्छी तरह मसल लेते हैं। अभी भी गर्म है ये, तो अच्छे से मसला जाएगा। बिल्कुल आटे की तरह तैयार कर लेंगे मसल मसल के। अभी बहुत गर्म है ये, तो मसल के इसको अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तो आटा मसल मसल के हल्का हल्का सा हाथ में तेल लगा के बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये इस तरीके से। ये तैयार हो गया। अब इसे गुलाब जामुन बनाएंगे। अब हल्का हल्का हाथों में देसी घी लगा के और बॉन बनाएंगे इसकी। छोटे छोटे ले लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल छोटे छोटे बनाऊंगी मैं। और हल्के हाथ से बिल्कुल राउंड राउंड कर लेंगे।
इस तरीके से सारी बॉल बना लेंगे। अब एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको साइड में रखेंगे ठंडी होने के लिए। अब गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर गुलाब जामुन डालेंगे। पहले एक डाल के देखते हैं। तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, इतना तेल गर्म सही है। अब हल्के हल्के हाथ से सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। बिल्कुल धीरे आंच पे फ्राई करने हमने, सारे डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और इनको एकदम नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाए तब इनको चलाएंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इनको चला देते हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ से चला देते हैं जो टूटे ना, तो पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। अभी गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको चाशनी में डाल देंगे। जब तक मोर फ्राई कर लेंगे इनको चाशनी में डाल के। अच्छे से फ्राई हो गए मैंने गुलाब जामुन। अभी गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिए, हमारे बनके तैयार हो गए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।